नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपके लिए खुशखबरी की बात है। जैसा कि आपको पता है, लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें कई क्वेश्चन कोर्ट में गए थे, और उन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो विकल्प डी को माना गया है। आयोग ने कहा था ए है, तो जिसने ए और जिसने डी भी चुना है उन दोनों को नंबर दिया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा में विकल्प डी को चुनने वालों को एक अंक देने का आदेश दिया गया है। आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेखपाल परीक्षा में एक सवाल का उत्तर विकल्प डी वाले अभ्यर्थियों को एक नंबर देने का आदेश दिया है, और कहा है कि परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प डी को चुना है उसे भी सही माना जाए और उन्हें जोड़ते हुए उनका परिणाम जारी कर दिया जाए उस अंक को। यह न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने, नितेश कुमार सिंह, श्री श्रीधर यादव, रोविन अग्रवाल की ओर से दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा है। इन तीनों लोगों ने अलग अलग याचिकाएं दायर की थी, पर एक साथ ही इनकी सुनवाई की गई है। और देख सकते हैं, याची नितेश कुमार सिंह यादव की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के लिए दी गई एफ सीरीज, जो दी गई एफ सीरीज थी उसकी बुकलेट संख्या में प्रश्न नंबर कौन कौन से गलत बता रहे हैं ये देखिए, उसमें बता रहे हैं जो प्रश्न नंबर हैं 61, 78, 88, 92, 93 क्वेश्चनों को सवाल के उत्तर इन्होंने कहे थे कि गलत हैं, सही उत्तर कोई दूसरे हैं, ये इन्होंने याचिका में कहा हुआ था। फिर देखिए आगे देख सकते हैं, अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि यह प्रश्न संख्या 61, 92, 93 पर हाईकोर्ट की एक अलग पीठ ने विचार पर कर याचिका को रद्द कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पहले ही रद्द हो चुके थे, जो आयोग ने दिया था वही इसके आंसर माने गए थे। इन पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, इनके दो कोई अलग क्वेश्चंस नहीं माने गए थे। अब आगे बात होती है, अलग केवल अब केवल सवाल 78 और 88 रह गए थे को लेकर याचियों ने अपनी याचिका में दूसरे उत्तरों को सही विकल्प बताते हुए अंक दिए जाने की मांग की। याची की ओर से कहा गया कि आयोग के ने प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर ए बताया है, जबकि यह सही विकल्प नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में आयोग से जानकारी मांगी थी कि बताइए ये सही है कि नहीं सही है, मांगी थी। बताया गया है कि अब देखिए, कोर्ट की तरफ से ये बताया जा मांगी थी उसने कोर्ट ने, तो जो आयोग था उसने क्या कहा, पहला विकल्प ही सही है। आयोग ने कहा कि ये पहला ही विकल्प सही है, जबकि प्रश्न संख्या 88 को लेकर, अब एक 88 बचा क्योंकि ये वो भी खारिज हो गया, 88 को लेकर तथ्यों और रिकॉर्डों के आधार पर कोर्ट ने विकल्प ए और डी दोनों को सही माना है। किसको मान लिया है, ए और डी दोनों को सही मान लिया, जिसने ए लगाया उसका भी सही है, जिसने डी लगाया उसका भी सही है। तो प्रश्न संख्या जो 88 था उसका ए और डी दोनों माना गया है, तो जिसने ए चूज करा है और डी चूज करा है उन दोनों को नंबर मिला जाएगा। यह प्रश्न संख्या 88 के ने आयोग आयोग ने तस्करी की रोकथाम और बचाव, तस्करी, वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के पुनर्वास, पुनः एकीकरण से जुड़ा हुआ सवाल था। तो ये इस चीज से जुड़ा हुआ सवाल था, उत्तर कुंजी में पहले विकल्प को सही बताया गया, जबकि याचियों ने विकल्प डी को भी सही बताया, कहा कि पहला विकल्प सही नहीं है, पहला विकल्प एलपीजी सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। ये याचीगढ़ जो याची थे उन्होंने कहा था, जुड़ा हुआ है जो कि केंद्र सरकार की एक योजना, इसके तहत गरीब परिवारों को सिलेंडर दिया जाता है, यह सही विकल्प नहीं हो सकता। अगर सही है तो आयोग को विकल्प में शब्द को पूरा लिखना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाओं के इस तर्क को स्वीकार करते हुए, अब कोर्ट ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है, स्वीकार करते हुए याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को भी एक अंक प्राप्त, मतलब प्रदान करने का कहा है कि परिणाम में इनको भी एक अंक का जोड़ के दिया जाए। तो इनको जिसने भी ग्रुप यानी डी विकल्प चुना है उनको भी मिलेगा, जिसने ए विकल्प चुना है उनको भी नंबर मिलेगा। तो आपको पता है, लगभग 5 क्वेश्चनों को इसमें चैलेंज किया गया था, जिसमें से 4 क्वेश्चन खारिज हो गए हैं और एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था इस पर डी और ए दोनों को सही मान लिया गया है। तो आपने अगर ये डी या ए में से कोई भी चुना था तो आप इसके लिए, यानी डी चुना था तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो वो अपना एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट है, ये जो भर्ती है, आपको पता है कि बताया गया है कि 3 मंथ के अंदर ये भर्ती कंप्लीट करा ली जाएगी। तो आप अच्छे से, अगर मान लीजिए आपका अच्छा नंबर आया हुआ है, आप अगर मान लीजिए 75 से प्लस भी अगर हैं, आप 75 से अगर आप प्लस हैं
तो आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट, उससे पहले आप कंप्लीट करा लीजिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने सुरक्षित रखिए। ये आप 75+ वालों का यहाँ पे बहुत चांस है कि उनका नंबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लेना। थैंक यू।